से उसका भूचाल कांग्रेस के अंदर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस इतने विचलित हो गए हैं कि लोगों को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का, झूठ बोलने का काम यह कांग्रेस करने लगी है। हमारे प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के द्वारा यहाँ के किसानों के संदर्भ में एक भी बातें ऐसी नहीं कही, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन किसानों को टारगेट करके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बयान दिया, वास्तविक में अपने असफलता, अपने विफलता और किए हुए वायदे, आज वादा खिलाफी जो की है, इस विफलता से विचलित होकर के जनता के बीच में भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा डी पुरंदेश्वरी जी के ऊपर में यहाँ के प्रेम, यहाँ के शांति और सद्भावना की बात को बिगाड़ने की जो बात की, मैं रविंद्र चौबे जी को, मोहम्मद अकबर जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या नंद कुमार बघेल जी अभी तक के जो बातें की हैं आप उसका समर्थन करते हैं? और यदि नहीं करते तो आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। यदि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समाज के सौहार्द वातावरण को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से घृणा के भाव पैदा करने के लिए की है, तो आपके प्रतिक्रिया आनी थी। लेकिन क्यों जाने कौन सा मजबूरी है कि आप मौन व्रत धारण करके रखे। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और उनके कल्चर, इनके राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह का आपको मालूम है मीनाक्षी नटराजन के बारे में कथन, और इसी के साथ में जिस प्रकार से जो 84 की घटना हुई, सज्जन सिंह के बारे में मालूम है इन्होंने क्या कहा था, एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इतने सारे सिखों का जो कत्लेआम हुआ, इस प्रकार की कल्चर हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस के रही है। हमारे प्रभारी ने ना किसी को अपमानित करने का प्रयास किया, पूरा वीडियो आप देखिए, ये केवल झूठ बोलने का काम कांग्रेस कर रही है।